एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे आप? के एलजी साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है ये, तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया? तो हमको जनता बेवकूफ है, जो हमको चुना था, तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता, जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना था, जनता ने आपको चुना था, तो जनता बेवकूफ है, जनता लॉ सेक्रेटरी को चुन लेती, क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को चुनने की? बेवकूफ मत बनाओ। आज अगर यहाँ पे जो अभी उप मुख्यमंत्री ने बोला, अगर यहाँ कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर दे और ये पास हो जाए, कोई नहीं पूछने वाला लॉ सेक्रेटरी को और फलाने ढिमके सेक्रेटरी को, ये सेक्रेटरी चला ले तो ये देश डूबता थोड़ी, हमारी थोड़ी जरूरत पड़ती? ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे।